पियोगी नहीं, नाचोगी नहीं, लोग मरने के बाद भूल जाएंगे तुम्हें। मौत के बाद जिंदा कौन रहता है? रहता है 10 मिनट तक दिल, 20 मिनट तक दिमाग और 4 घंटों के लिए आंखें। वो 4 घंटों में आंखें जो अपनों का रवैया देखती होंगी, उसके बाद मुर्दे को तो मौत तोहफा लगती होगी। बहुत खून निकाल दिया मेरा, इतना खून में तो बस हो गया। लाइफ वाइट मिलेंगे? हाँ मिलेंगे। अरे बस हो गया, बस हो गया। भाई कैसे आए हो तुम क्लास में? गांव से आए हो? नहीं। तो घर से आए हो? साइकिल से आया। साइकिल से आया, लोग चल के आते और तू साइकिल से आया, ठीक है। गाड़ी भी जा रही है, आदमी भी जा रहा है, बहुत अच्छा से निकल गया। असुर जी, ये तुम्हारी बेटी बार बार बात का बतंगड़ बनाती है और बार बार कहती है कि मैं मायके चली जाऊंगी, मायके चली जाऊंगी, मायके चली जाऊंगी, क्या करूं इसका? कह देना मैं ससुराल चला जाऊंगा, वहाँ साली भी होगी। ये है इतना खतरनाक कि ये सिंग मार देगा तो हर आदमी की हालत खराब हो जाएगी। हाँ, और इसको कहते देखो पोजीशन में खड़ा है, देखो स्टाइल में बोलता है, देखता है। इसको कहते हैं काला बकरा, उसके ऊपर सफेद दाग भी है। मोबाइल में ऐसा बम होना चाहिए कि अगर मैं यहाँ से देखूं तो उसका बम दिखना चाहिए, उसका थोबड़ा दिखना चाहिए, और मैं यहाँ से बोलूं तो उसकी बोलती बंद हो जाए। क्या बात! अगर मैं यहाँ से बोलता हूँ और उसकी बोलती बंद हो गई तो खाक न्यूक्लियर बम चलाएगा, उसका दिमाग ही खराब हो जाएगा, तो वो कैसा बटन दबाएगा? वो दबाने से पहले मैं इधर से बटन दबा दूंगा तो उसका बम उसके घर में फूटेगा। उसका पेट खराब होगा तो हमको क्या लेना देना है, उसका बम उसके घर में फोड़ डालेंगे, फोड़ डालेंगे, साले को फोड़ डालेंगे। आजा भाई, आजा भाई, आजा, आजा भाई, आजा। अरे रुक क्यों गया? हाय, आजा, 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 आजा। पानी पूरी का फोटो निकाल रहा हूँ। बात ऐसी थी, अभी अभी हमने ऑयल बम की बात की थी जो हमारे इंडिया में हम रिसर्च करके बना रहे हैं, जिससे लंबे लंबे बाल हो जाएंगे, और जो भी लंबे लंबे बाल हो जाएंगे उसके बाल अगर धोते नहीं है तो फंस जाएंगे, और वो फंसते हैं तो न्यूक्लियर पावर बम फोड़ नहीं सकेगा, वही उसके बालों में अटक जाएगा। इतना अच्छा आइटम हमने बनाया है। अब अगला आइटम देखिए, ये है चश्मा बम। आप देख रहे हैं ये चश्मा है और ये चश्मे का डब्बा है। ये डब्बे के अंदर ये कपड़ा डाला जाता है इस बॉम्ब को पोंछने के लिए। और ये चश्मा जो है ना, ये ऐसी कांच से बना है कि अगर इसको नीचे गिरा देते हैं तो टूट जाता है, और हाथ में रखते हैं तो टूटता नहीं है। अगर आंखों में पहनते हैं तो सटीक जो निशाना लगाओगे आप उसको देख सकते हैं,
अगर वो कोई परमाणु बम या कोई हाइड्रोजन बम या किसी भी प्रकार का ड्रोन हो, अगर वो हमारे ऊपर अटैक करने आ रहा होगा, अगर हम इस चश्मे से देखेंगे तो वो ड्रोन हमें दिख जाएगा। अब इसके अंदर ऐसी प्रणाली है कि जैसे हमारी आंखों से ये चश्मा पहन के हम उस ड्रोन की तरफ या उस बम की तरफ देखेंगे या हम इसे सेट कर देंगे, तो जैसे हम इधर से देखते वैसे उसका बम फूट जाएगा, उसके हाथ में फूट जाएगा चाबी लगाने से पहले ही। अच्छी बात है ना, ये चश्मा बम है हमारा। ओ माय गॉड, सो इसने ये चिंगारी जैसा क्यों निकाला? ये अभी अभी हमारे क्या नाम है इन भाई साहब का, ये भाई साहब का नाम क्या? राघव साहब ये हमारे शूटिंग कर रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन। अब इन्होंने भी कुछ सोचा हमारे बारे में। ये कह रहे थे कि इतने बड़े बड़े बम बनाए हैं आपने, तो ये एक कौन सा बम है? तो इन्होंने मुझे दिखाने लाया, तो इसमें उस जिस समय दिखाने लाया तो इसमें बम नहीं था, इसमें अत्तर भरा हुआ था। अरे मेरे दिमाग का लाइट जल गया, ट्यूबलाइट आप दिख रहे हैं ना बराबर, तो ये ट्यूबलाइट ऐसी जली मेरी, ये इत्र से बम बनना चाहिए। तो ये इत्र से हमने रिसर्च किया और ये इत्र बम है, यानी जैसे हम चश्मे से देखेंगे ना, चश्मे वाले बम से, वैसे इत्र के बम में क्लैश होने लगेगा, झगड़ा होने लगेगा, और इसके अंदर जो दिख रहा है ना ये हिलने लगेगा, और इस हिलने से इसके अंदर से ब्लास्ट हो जाएगा, और इसमें से जो कुछ उड़ेगा ना तो सब का बम उड़ाने वाले होंगे ना, उनके चिथड़े चिथड़े हो जाएंगे जैसे इसके अंदर दिखते हैं। क्या ये सब आपने कैसे किया सर? ये मेरे साइंटिस्ट लोग है ना, सारा दिमाग आप कहाँ से लेकर? मेरे पास कहाँ दिमाग है, अरे ये तो रह गया, ये तो मतलब मोबाइल बम है। आपने कई बार देखा होगा, कई पहले जमाने में, जमाना ज्यादा नहीं हुआ है, वो जियो के फोन आते थे, टाटा के फोन आते थे, मालूम है पहले के, रिलायंस के भी आते थे। हाँ रिलायंस के, वो हाथ में फूट जाते थे, तो वो जो बैटरी होती थी ना वो उनकी, वो पता नहीं कैसी बैटरी होती, चाइना से आती थी वो, ये हिंदुस्तान में रहते माल चाइना का इस्तेमाल करते, इसलिए चाइना वाला चिल्ला चिल्ला के हमारे ऊपर बोलता है, सुनते नहीं है, ये माल काहे के लिए इधर मंगाते पता नहीं, वो मिनिस्ट्री को बताना पड़ेगा अपने को कि भाई उधर से ही बंद करो ना, फटाके भी वैसे ही भेजे थे, बोलते थे पोल्यूशन होता है, हाँ बेचने के लिए परमिशन दे दी, और फटाके किधर से आए, गवर्नमेंट में परमिशन दी तभी ना। हाँ तो ये ऐसे गलत काम करते, सर तो इतने सारे बम आपको कैसे आया? अरे ये मोबाइल से, ये मोबाइल मेरे पास था, ये ना मेरी एक गर्लफ्रेंड थी, वो गर्लफ्रेंड बाद में मेरी शादी हो गई उसके साथ, तो उसका भेजा है तो बहुत कमाल का भेजा था भाई साहब, वो खाना बनाते बनाते, रोटी बनाते बनाते नया नया डिजाइन बनाते, तो उसने क्या किया यकीन नहीं, ये मोबाइल उससे मैं आके पटक दिया, अब पटके तो इसके हो गए टुकड़े टुकड़े, अब टुकड़े टुकड़े होने में क्या हो गया कि अचानक उसका ब्लास्ट हो गया, भाई तो डर गया, मैं पहले वो बीबी की तरफ देखने गया, भाई तेरे को कुछ हुआ तो नहीं? बोलते कुछ नहीं हुआ, भाई ठीक हूँ, लेकिन ये बम वाला मोबाइल तुमने काहे के लिए लाया मेरे, ये बम है वो तो देखो हाथ में फूट गया। तभी मेरे दिमाग में आया कि कितनी अच्छी चीज है, ये सारे सब लोग बक 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 करते हैं, लेकिन हमने एक मोबाइल का बम बनाया है। क्या बात, इस मोबाइल में क्या होगा मालूम है? आज के जमाने में बम तो फोड़ देते हैं, बम कोई आजू बाजू में बैठ के नहीं फूटता है, बता के नहीं फूटता है कि मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ, समझा के तो नहीं फूटने वाला है ना, वो तो फूटेगा जो फोड़ेगा वो, लेकिन वो जो क्या नाम था उसका, हाँ सुपर पावर अमेरिका रसिया जापान और वो क्या क्या है चाइना पाइना, कीड़े पीड़े खाते रहते वो लोग, कहाँ से इतनी अकल आती है पता नहीं है, सारा सस्ता माल बेचते हैं बेकार बेकार, सारा दुनिया में वायरस फैला देते हैं। तो मैंने सोचा ये मोबाइल का अपन बम बनाएंगे, तो मोबाइल खराब नहीं होना चाहिए भाई साहब, सबसे बड़ी बात, तो मोबाइल में ऐसा बम होना चाहिए कि अगर मैं यहाँ से देखूं तो उसका बम दिखना चाहिए,
उसका थोबड़ा दिखना चाहिए और मैं यहाँ से बोलूँ तो उसकी बोलती बंद हो जाना चाहिए। क्या बात, अगर मैं यहाँ से बोलता हूँ और उसकी बोलती बंद हो गई तो खाक न्यूक्लियर बम चलाएगा, उसका दिमाग ही खराब हो जाएगा, तो वो कैसा बटन दबाएगा? उस दबाने से पहले मैं इधर से बटन दबा दूंगा तो उसका बम उसके घर में फूटेगा। उसका पेट खराब होगा तो हमको क्या लेना देना है, उसका बम उसके घर में फोड़ डालेंगे, फोड़ डालेंगे, साले को तोड़ डालेंगे। आप नरेंद्र मोदी जी से क्या कहना चाहते हैं कि आपने इतने सारे बम बनाए हैं? ये सारे इतने सारे लकीली बन गए हैं बम, अपनी देश की सुरक्षा के लिए हमने इन बमों का इस्तेमाल करना चाहिए। इन बमों से इस्तेमाल करने से होगा क्या, कोई भी प्रकार की हानि नहीं होगी, जीवित हानि नहीं होगी, ये बम फोड़ने वाले को ही फोड़ देंगे। क्या बात, आपको तो नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए सर जी। नरेंद्र मोदी जी से रिक्वेस्ट है कि सर को बुला के सर को आवाज भी देने चाहिए क्योंकि इतने सारे बम सर ने बनाए हैं। सर आप कचरे के लिए कुछ बोलना चाहते थे जो इतना सारा लोग कचरा, हाँ, ये बड़ी देश में कचरे फैलाते हैं। हम कचरा बम बनाने की बात इसलिए कही थी कि दुनिया में खास तौर पे हिंदुस्तानी आदमी को एक गंदी आदत होती है, इधर से कचरा उठाया बाजू में डाल दिया, बाजू वाले के घर में डाल दिया। और क्या करे आदमी लोग, सबके दिमाग में ही कचरा भरा हुआ है तो कितना कचरा रख के चलेगा। बस यही बात है, इसीलिए मैंने ये सोचा कि ये कचरा बम बनाना चाहिए। और जो हिंदुस्तान का कचरा है ना, आज के जमाने में मालूम है क्या क्या चीजें बनती है, वो वेस्टेज होता है, देखो गंदगी निकलती है, कचरा सूखा कचरा सब जाके फिल्टर होता है, फिल्टर होके उसके ग्लास बनाते हैं, उसकी कटोरिया बनाते हैं, और क्या क्या बनता है और कुछ बनते हैं, क्या क्या नाम बताए थे? अभी रोड भी बन रही है। रोड भी बन रही है, रोड भी कचरे से बन रही है। अब इतनी सारी चीजें और वो ग्लासेस वगैरह बनाते हैं जिसमें जूस वगैरह पीते हैं हम लोग, इतने गंदे कचरे से बनाते हैं और हम उसी में पीते हैं, तो बम बनाने में क्या बुराई, पैसा भी नहीं लगेगा। कचरे से लोगों को क्या कहना चाहते हैं जो कचरा फैलाते? मैं ये कहता हूँ कि कचरा दूसरी जगह फैलाने की बजाय अपना दिमाग का कचरा दूर करो और वो कचरा बाहर निकाल के उससे कुछ अच्छा काम होता है क्या, इसके बारे में सोचो और दुनिया का फायदा कैसे होता है ये सोचो मेरे जैसा, ताकि जिसका बम उसके घर में फूट जाए और दूसरे की जीवित हानि ना हो। साहेब आजकाल बायका का पळून जातात? बायका, अरे त्या लग्न करतात पण नेहमी युट्यूब वर इंस्टाग्राम वर राहतात, बघा कसा थरथर हात कापतोय माझा, ती बायको पळूनच जातात। बापरे बापरे बाप, असंच होते बायका त्याच्यामुळे पळून जातात की ते नेहमी 24 घंटे इंस्टाग्राम वर असतात, युट्यूब वर असतात, फेसबुक वर असतात, म्हणून बायका पळून जातात। फ्रेंड्स मिळतात ना, फ्रेंड्स। दिवाली आ रही है, इसे ना खुश कर देता हूँ अभी। सांग कधी कळणार तुला भाव माझ्या मनातला। हाँ तनु, ये साड़ी में तो बहुत अच्छी लग रही है,
बस का मत मारो, दाल आटे का भाव पता चल जाएगा, दिवाली का बोनस आ रहे तो तुम्हारा। अरे नखरे वाली हमें ना दे गाली, हमें यू ना तड़पा के जा, हमें यू ना तड़पा के जा। क्या बात है। जिंदगी क्या